ठीक है, पूजा वंदना करने का समय में चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ समय प्रवेश द्वार से एंट्री हो रही है। ये सब नौवीं धम्म संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये हम इस समय बोध गया मंदिर टेंपल में आ चुके हैं। यहाँ पर एंट्री हो चुकी है प्रवेश द्वार पे। हम लोग लाइव दिखाना चाह रहे थे लेकिन कुछ नेट के प्रॉब्लम के कारण हम लोग लाइव नहीं प्रसारण कर पा रहे हैं। इसको बाद में आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और असुविधा के लिए हमें खेद है। और इस समय पूज्य भंथे डॉक्टर यू चंदामणि यहाँ पर आ चुके हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। और काफ़ी संख्या में लोग हैं श्रामनेर दूरदराज से जो इस नौवीं राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद बोधगया में आयोजित किया गया था शामिल हुए थे। और सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। इस प्रभात फेरी में सहयोग था उन लोगों का भी निकालने में। बहुत खुशी की बात है कि धम्म संदेश इसी तरह आगे बढ़ता रहे, हम यही मनोकामना करते हैं। और हम पूज्य गुरु जी से भी यही प्रेरणा लेना चाहते हैं कि इस धम्म कार्यक्रम में आयोजित किया गया तो इस प्रांगण के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं बोधगया के प्रांगण से। भंथे जी क्या संदेश देना चाहते हैं इस भगवान इस जगह जो सबसे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा जगह है। हम लोग बुद्धिस्ट में भगवान जी इधर में ज्ञान प्राप्त मिला, इधर में भगवान बनाया, इसलिए हम लोग ये जगह से महानतापूर्ण जगह है ही नहीं, इसलिए ये जगह से हम लोग संदेश देना चाहिए वर्ल्ड को। सबसे पहले कोरोना सब मुक्ति करना चाहिए। दूसरा दो जीवा सटो लो वॉल में रहने वाला सब आदमी लोग शांति सुख मिलने के लिए इधरों से हम लोग मित्री भावना देगा, करुणा भावना देगा। उसके बाद हम लोग इधरों में भगवान जी को वंदना करना, इसलिए आदमी लोग शांति सुख मिलने के लिए हम लोग इधरों में पंचशील यात्रा आ रहा है इधरों, इसलिए सब शांति सब जीवा लो, शांति रहो सुखी रहो, सब दुखी से चलो जाओ, इधरों से हम लोग मित्री भावना देंगे। साधु 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 ये लो जो सजाया गया है, सजाया गया मोबाइल इससे हम बोध गया के प्रांगण के टेंपल में हैं।
यहाँ पर देखिए कितनी सजावट की गई है फूल मालाओं से, सुगंधित फूल मालाओं से। इसमें कमल का फूल भी है और भी तमाम तरह के पुष्प हैं यहाँ पर। इस समय यहाँ पर तथागत बुद्ध, जो यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, हम उसी जगह की ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इसमें यहाँ पर पूज्य गुरु यू डॉक्टर चंदा मुनि महाथेरो जी के नेतृत्व में यह प्रभात फेरी निकाली गई है। और अभी अभी यहाँ पर अभी प्रवेश द्वार के माध्यम से ये है प्रवेश द्वार, इसी के माध्यम से अंदर एंट्री किया जाएगा। खत्म हो गया। हम अभी आप राजेंद्र जी सर बड़ा बड़ा आता है नहीं रेडियो। हाँ ओके नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय। साधु 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 सभी लोगों को साधु साधु साधु। बोधगया में आप लोग का ब्रह्म अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रांगण में आए हैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर मैत्री भावना बनी रहे हम चाहते हैं। इस पावन धरती पर शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि। देखिए बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि। लोग कतारबद्ध तरीके से चल रहे हैं। हम सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। ये देखो 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 अंकल को। चलो चलिए इस भगवान बुद्ध की पावन धरती पर बहुत अच्छा। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये देखिए
हरियाणा से चल कर के हमारे वैद्य जी डॉक्टर कल्याण सिंह इस बौद्ध प्रांगण में आ चुके हैं तथागत बुद्ध की धरती पर यहाँ दर्शन करने के लिए। हम तो बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, मंगल कामना करते हैं, से मैत्री भावना बनी रहे। यहाँ पर बंदाम भंथी जी, देखिए यहाँ पर बंदाम भंथी जी ये वही जगह है जहाँ पर बुद्ध भगवान बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया था, बौद्ध वृक्ष पेड़ के नीचे। अभी हम आपको पूरी लाइव तस्वीर दिखाएंगे इसमें। ये यहाँ पर देखिए लोग अपना दर्शन करके आ रहे हैं बाहर को। और अभी हम कुछ समय में और भी आपको यहाँ पर तस्वीर लाइव दिखाएंगे। कुछ नेट प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए लाइव नहीं दिखा पाए। लाइव दिखाने का प्रोग्राम था हमारा लेकिन कुछ नेट खराब रहने के कारण नहीं दिखा पाए। लेकिन वही जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने इस बौद्ध वृक्ष पेड़ के नीचे ज्ञान को प्राप्त हुए थे। हम उसी बौद्ध वृक्ष पेड़ को भी दिखा रहे हैं, सामने है। और ये यहाँ पर प्रत्येक वर्ष लाखों लाखों लोग विदेशी पर्यटक यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। हम इस प्रांगण में आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। इस समय यहाँ पर बहुत अच्छा सजावट किया गया है, जो यही बौद्ध वृक्ष है जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूजा अर्चना चल रहा है। ये हम आपको